समूह जागीर आपका नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 6 का पार्ट 1 और भी 2। ये कविता है रामाकार त्यागी जी। पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। रामाकार त्यागी जी का जन्म 17 मार्च सन 1925 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी गीत को एक नई ऊंचाई देने वालों में इनका नाम सबसे अग्रणीय नाम है। रामधारी सिंह दिनकर सहित बहुत से हिंदी साहित्यकारों ने इनके गीतों की बहुत ही सराहना की है। 12 अप्रैल सन 1985 को इनका आकस्मिक निधन हो गया। ये था इनका परिचय। अब इनकी रचनाएं कौन सी थी वो देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नया खून, मैं दिल्ली हूँ, गीता सप्तक, 21 गीत, गुलाब और बबूल वन, राष्ट्रीय एकता की कहानी और महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का काव्य अनुवाद नामक उपन्यास, चरित्रहीन के पात्र, दिल्ली जो एक शहर था, इसके अतिरिक्त राम झरोखा जैसी गद्य की रचनाएं इन्होंने की। तो बच्चों अब हम कविता पढ़ते हैं। इसमें कवि ने समर्पण का भाव व्यक्त किया है। इन्होंने कवि ने अपने देश के लिए समर्पित होने की भावना इसमें व्यक्त की गई है और अपने धरती माँ के लिए इन्होंने समर्पण किया है। तो पढ़ते हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं अपना मन, तन और पूरे समस्त जीवन को धरती माँ को सौंपता हूँ और चाहता हूँ कि सारा जो मेरा सर्वस्व है वो धरती माँ को सौंपता हूँ, लेकिन सब कुछ सौंपने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए वो चाहता है कि मैं तुझे और भी कुछ दूँ। अब हम आगे नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। तुम्हारा माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। इसमें कवि ये कहता है कि माँ मेरा आपके ऊपर बहुत ऋण है, मैंने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती पर जीवन यापन किया, पाल पोस कर मैं आपने मुझे बड़ा किया है, तो मैं इस धरती का ऋण मैं नहीं चुका सकता, मैं अकिंचन हूँ, मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना निवेदन आपसे करता हूँ कि जब भी मैं थाल लेकर आऊँ भाल जब भी, यानी कि भाल यानी मस्तक, कि मैं जब भी मस्तक पर मस्तक आपके सामने रखूँ, धरती माँ की जब सेवा करूँ, तो अपना सर अपना मस्तक को आपको स्वीकार करता हूँ और यही मेरा समर्पण है, मैं इस धरती माँ के लिए रक्षा करना चाहता हूँ, इस देश की सेवा करना चाहता हूँ और सब कुछ देने के बाद भी मेरे पास मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मैं ये सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। आगे पढ़ते हैं, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मेरे गीत और मेरे प्राण आपको अर्पित करता हूँ, रक्त का कणकण यानी कि मेरे शरीर का कणकण रक्त की बूंद बूंद में आपको समर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि देश की सेवा करूँ और यह सेवा करने के बाद में भी वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। आगे पढ़ते हैं पंक्ति में, बांध दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर धार मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इसमें कवि देश की रक्षा के लिए तैयार होता है और कहता है कि बांध दो तलवार की धार को तेज कर दो, इसमें कोई देरी न लगाए और बांध दो कसकर कमर पर ढाल
मेरी और कमर मेरी कसकर ढाल मेरी कमर पर बांधे और मेरे जो मस्तक है भार यानी मस्तक मेरे मस्तक पर इस मात्र भूमि की थोड़ी दूर मेरे मस्तक पर लगा दें जिससे कि शीश पर आशीष की छाया घनेरी जिससे कि मेरे जो सर पर है मेरे शीश पर मेरी मातृभूमि का आशीर्वाद बना रहे। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसमें कवि अपने सपने अपने प्रश्न और अपनी सारी उम्र के जो क्षण क्षण है वो देश को समर्पित करना चाहता है। सभी की इच्छाएं होती है सभी की इच्छाएं होती है कि वो बड़े होकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं सपने देखते हैं कुछ करने के लिए। इसी तरह कवि भी अपने सपनों को देश की सेवा में समर्पित करता है और अपनी पूरी जिंदगी को जिंदगी के जो क्षण क्षण है वो देश को समर्पित करता है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ और ये सब कुछ समर्पण करने के बाद ही वो संतुष्ट नहीं होता है और उस धरती माँ को वो और भी कुछ देना चाहता है। देखिए आगे तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो गांव के मेरे द्वार घर मेरे आंगन क्षमा दो आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। इसमें कवि कहते हैं कि मैं मेरे गांव मेरे घर बार मेरे आंगन को आंगन से मैं माफी मांगता हूँ मैं इन सब का मोह बंधन तोड़कर मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं देश की सेवा करने निकल पड़ा हूँ। और कहते हैं कभी आगे कि सीधे हाथ में तलवार दे दो सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज दे दो यानी कि जब देश की सेवा करने के बाद में जो विजय प्राप्त होती है तो उस विजय के द्वारा उस विजय के लिए वो अपने बाएं हाथ में झंडा फहराना चाहते हैं। तो कवि इसके लिए कहते हैं कि मैं अपने घर बार से माफी मांगता हूँ क्षमा मांगता हूँ कि मैं ये सब कुछ सारा मोह बंधन छोड़कर मैं देश की सेवा के लिए निकल पड़ा हूँ। तो आगे हम पंक्ति में पढ़ते हैं सुमन अर्पित चमन अर्पित नीर का तरण तरण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दू। इसमें कवि अपने फूल पुष्प अपने चमन और जिस तरह से हम अपने घर को बनाते हैं तिनके तिनके से जैसे कि चिड़िया तिनके तिनके से घोंसला बनाती है उसी तरह से हम तिनके तिनके से जो घर बनाते हैं वो सब कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब कुछ समर्पित करने के बाद में भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो धरती माँ को अपनी मातृभूमि को कुछ और भी देना चाहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन कविता। अब हम आगे शब्द बोध पढ़ेंगे समर्पित समेत पर समर्पित पूरी तरह से भेंट कर देना ऋण यानी उधार अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो निवेदन विनती करना या रिक्वेस्ट करना भार यानी मस्तक स्वीकार यानी ग्रहण करना मांझ दो तलवार तलवार की तेज धार कर दो धार प्रहार रोकने वाला रोकने का एक साधन शीश यानी कि सिर आशीष यानी आशीर्वाद घनेरी यानी घनी। अब हम आगे बढ़ते हैं नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए धरती धरती का होगा भू धरा भूमि भाल भाल का होगा सिर मस्तक लगा ऋण का होगा उधार कर्ज देनदारी घर ग्रह
सदन आवास सुमन यानी पुष्प कुसुम फूल सही दिखा ना सुमन का होगा पुष्प कुसुम फूल। अब आगे देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। अब यहाँ पे रेखांकित है धरती, तो धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। तो हम बोलेंगे धरती और आकाश का भला क्या मिलन। आगे है मेरे सीधे हाथ में तलवार है और, तो सीधे का क्या हो गया उल्टे, उल्टे हाथ में ध्वज। फूलों के साथ फूलों का होगा विलोम शब्द कांटे, फूलों के साथ कांटे तो होते ही हैं। जीवन और, अब जीवन का हो गया मरण, जीवन और मरण तो विधाता के हाथ में है। अब आप देर न करें, तो देर का हो गया जल्दी, जल्दी से आ जाए। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर कवि, कवि और मैं और क्या दूं धरती का। तो बच्चों ये थी हमारी कविता और भी दूं। अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।